तो मध्य प्रदेश की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, धर्मेंद्र कटारे हुए कांग्रेस में शामिल, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने दिलाई सदस्यता। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, धर्मेंद्र कटारे के साथ बड़ी संख्या में समर्थकों ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया। आपको बता दें एमपी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को दमोह जिले में बड़ी सफलता मिली है। दमोह जिला पंचायत उपाध्यक्ष मंजू कटारे के पति धर्मेंद्र कटारे कांग्रेस में शामिल हो गए। तो शनिवार को भोपाल स्थित कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पर धर्मेंद्र कटारे ने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ली है। कटारे को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सदस्यता दिलाई है। तो धर्मेंद्र कटारे को दमोह की पथरिया विधानसभा सीट से टिकट का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। अब तक कटारे और उनकी पत्नी मंजू कटारे निर्दलीय चुनाव लड़ते आए हैं। तो ये आपको बता दें, पार्टी में शामिल होने वाले कमलनाथ ने कटारे और उनके समर्थकों का धन्यवाद भी दिया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आज प्रश्न किसी उम्मीदवार का नहीं, याद रखिएगा 4 महीने में चुनाव है, ये उम्मीदवारों का चुनाव नहीं, ये केवल पार्टी का नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के लोगों का है। अगले 4 महीने के लिए सच्चाई का साथ मत छोड़िएगा, जिसको सच्चाई समझ में नहीं आती है उनको समझाइएगा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट ब्यूरो चीफ मुकेश शर्मा फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, पूरी खबर समझाइए हमारे दर्शकों को। जी कौशल, आपको बता दें क्योंकि चुनावी माहौल है और धर्मेंद्र कटारे ने पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला लिया, पीसीसी चीफ जो कमलनाथ जी है उनके समक्ष कांग्रेस को ज्वाइन किया है। धर्मेंद्र कटारे और उनके समर्थकों को धन्यवाद दिया है और कमलनाथ जी ने इस दौरान कहा है कि प्रश्न किसी उम्मीदवार का नहीं है, 4 महीने में चुनाव है, ये उम्मीदवारों का चुनाव नहीं है, केवल पार्टी का नहीं है, अगले 4 महीने के लिए सच्चाई का साथ मत छोड़िएगा, ईमानदारी से आप साथ रहिएगा, क्योंकि 15 महीने की सरकार में आधा समय आचार संहिता में निकल गया है और इसके बाद हमने 27 लाख किसानों का कर्जा फिर भी माफ किया था। इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए कमलनाथ जी ने कहा है कि चुनाव आते ही बीजेपी की घोषणा की मशीन डबल स्पीड में चालू हो जाती है। धर्मेंद्र कटारे की हम अगर बात करें तो धर्मेंद्र कटारे बढ़ियागढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र में रोजगार सहायक के पद पर भी रह चुके हैं। कटारे ने अपनी पत्नी मंजू कटारे को पिछले चुनाव में किशनगंज क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य के लिए उम्मीदवार बनाया था, जिसमें मंजू काफी बड़े अंतर से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतकर चुनी गई थी। इसके बाद में वह जिला पंचायत की जिला उपाध्यक्ष भी रही है। दोनों अभी तक निर्दलीय हैं, किसी भी पार्टी में समर्थन नहीं दिया था, लेकिन आज कमलनाथ जी के साथ वो लोग जुड़ गए हैं और उन्होंने कमलनाथ जी ने कहा है कि बिल्कुल आप साथ रहिए और साथ में छोड़िए, निश्चित ही हम सरकार बनाएंगे कांग्रेस की आने वाले समय में, ऐसा कमलनाथ जी ने कहा है और विश्वास के साथ कहा है। तो कौशलेन जी, निश्चित ही कहा जा सकता है कि अब दिन प्रतिदिन ये ऐसी आना जाना लगा रहेगा दोनों पार्टियों में और दोनों ही चुनावी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं और निश्चित ही आने वाले समय में ऐसी चीजें काफी देखने को मिलेगी।